गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपको मैथ में रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशियंट ऑफ ए पॉलीनोमियल के बारे में समझाएंगे जो आपके एग्जाम में आता है। यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड, बच्चे दोनों के लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए इसको हम जानते हैं क्या होता है, इसमें रिलेशन क्या होता है। तो इसके पहले हम आपको टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल और जीरो पॉलीनोमियल, कोफिशियंट, डिग्री, ये सब हम बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो आप चैनल पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशियंट ऑफ ए पॉलीनोमियल क्या होता है। इसमें हम लीनियर पॉलीनोमियल पढ़ेंगे। पहले लीनियर में क्या होता है, आप जानते हैं कि मैक्सिमम पावर क्या होती है, वन होती है, और इसमें वैल्यू जो आती है कितनी आती है, वन ही आती है। जितनी पावर रहती है उतनी वैल्यू आती है। तो हमारा सेकंड है क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में आपको पता है कि कितनी वैल्यू आती है, दो आती है। आपके पास लिखा गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कितने हमारे जीरो होंगे, टू होंगे, एक अल्फा होगा, एक क्या होगा, बीटा होगा। अब इसमें कुछ फार्मूले हैं जैसे सम ऑफ जीरो, सम ऑफ यानी कि दोनों जीरो का अगर हम सम करेंगे तो किसके इक्वल होता है। क्या लिखा है, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मीन्स क्या, माइनस बी बाई ए। तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स सी बाई ए। तो इसको सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आइए हम जानते हैं क्यूबिक, क्यूबिक के बारे में जानेंगे, उसका फार्मूला क्या होता है। पॉलिनोमियल क्या होता है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। आपके पास क्या है, मैक्सिमम पावर कितनी है, क्यूब है, तो कितनी वैल्यू आएगी, थ्री आएगी। तो थ्री के लिए जो हमारा जीरो होता है, अल्फा बीटा एंड क्या होता है, गामा होता है। अगर सम ऑफ जीरो कहे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सेकेंड फार्मूला, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए। और थर्ड हमारा होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप इसको तैयार कर लीजिए, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपके लिए स्क्वायर और क्यूब और लीनियर जो हमारा है तीन होते हैं, तो क्यूब आपके सिलेबस में नहीं है, स्क्वायर और लीनियर आप देख लीजिएगा अच्छे से, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और आपको हम बताते हैं, जैसे ग्राफ में दिया रहता है नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालना होगा, तो आइए उसको भी देखते हैं। आप इसको अच्छे से राइट कर लीजिए और समझ लीजिए, आगे चलते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ जीरोस निकालने हो अगर आपके पास ग्राफ है, ये कैसे एक्स एक्सिस एक्स डैश वाई वाई डैश, अगर आपको ग्राफ ऐसे दे दे, इसमें पूछे कि नंबर ऑफ जीरो इसमें कितने हैं, जो आपके लिए जो आप एमसीक्यू क्वेश्चंस में आते हैं कि इसमें नंबर ऑफ जीरो अगर आपको फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ जीरो, तो आप क्या करेंगे, एक्स एक्सिस को जहां भी टच करेगा, एक्स एक्सिस को जिस जिस पॉइंट पर टच करेगा वही क्या होते हैं, हमारे नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। काउंट कर सकते हैं, वन टू थ्री फोर, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे। अगर ग्राफ में आता है तो आप ऐसे ही करेंगे कि एक्स एक्सिस को जो हम टच करेंगे, जो जो जहां जहां टच करेंगे उस पॉइंट को हम काउंट करके लिख देंगे, वही होता है नंबर ऑफ जीरो। अब अगर आपसे पूछा जाए इस फिगर में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं एक्स वाई, तो आप क्या बताएंगे, एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं कर रहा है, किसको टच कर रहा है, वाई एक्सिस को, तो वाई एक्सिस को हम नहीं लेंगे। अब हमारा जो नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे फिगर हैं जो आपके एग्जाम में भी आते हैं, तो आइए एक दो और एग्जाम्पल से देखते हैं।
जैसे आपके पास ये, तो आपको इसमें भी नंबर आप जीरो जगह बताना होगा। आप इसको नोट करते रहिए, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर आप जीरो अगर आपको फाइंड आउट इसमें करना है, तो बताइए इसमें एक्स एक्सिस को भी नहीं टच कर रहा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, अब इसमें आप ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ टच कर रहे हैं, टू पॉइंट पे टच कर रहे हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, टू। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा नंबर ऑफ जीरोज कैसे आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको हम बताएंगे रिलेशनशिप बिटवीन कैसे आप जीरो कैसे करेंगे, तो आइए उस पर चलते हैं। कोई एक एग्जाम्पल्स लेते हैं, आपके पास एग्जाम्पल्स है 3x² + 4x + 1। अगर इसमें नंबर आप जीरो रिलेशन जो है आपको बताना होगा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर तो आपको अच्छी तरह से आता है, पहले हम 3x = क्या करेंगे, जीरो करेंगे। तो क्या करेंगे, 3x² + 4x + 1 = 0। अब क्या करेंगे, इसमें हम फैक्टर्स करेंगे, 3x² + 3x + x + 1। इसको कैसे करते हैं, ये आउटसाइड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर 3 आना चाहिए। तो अगर हम 3 का करेंगे, 3 और 1 बनेगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 × 1 = 3, और 3 और 1 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 और 4 1 का हो जाएगा। अब इसमें कॉमन क्या है, 3x, तो क्या हो जाएगा, x + 1 + 1x + 1। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, x + 1 = 0, x = -1, 3x + 1 = 0, 3x + उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x = -1/3। आपके पास कितने जीरो जाए हैं, 2 जीरो जाए हैं। अब अगर आपको रिलेशन फाइंड आउट करना होगा, तो आपको फार्मूला हम क्या बताए हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का और सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरो α+β। अल्फा की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू -1, सेकेंड वैल्यू β - 1/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या आ जाएगा, 3 × 3 - 3 - 1/3 - 4/3। ये किसकी वैल्यू आ गई, α+β की वैल्यू है। अब α × β की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, -1 × -1/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। हमें क्या चेक किया कि अल्फा और प्लस बीटा के दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिए हैं, इंटू कर लिए हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारा फार्मूला होता है, फार्मूला हमारा क्या होता है, सम ऑफ जीरो जीरो माइनस बी बाई ए होता है। तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं क्या आता है, फार्मूला माइनस और बी की वैल्यू क्या है यहाँ से, 4 और / 3। तो आप ये चेक कर सकते हैं दोनों का जो रिलेशन है, देखो दोनों सेम आ रहा है, सम ऑफ जीरोज अगर हम जो फार्मूले से निकालते हैं वही चीज वैल्यू आ रही है, और जो जीरोज हमारे यहाँ इनको दोनों को ऐड करेंगे तभी वही चीज आ रही है। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्लियर है। ऐसे आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी राइट कर सकते हैं, क्या होता है, c/a, c मीन्स 1, a मीन्स 3। अब हम ये भी चेक कर सकते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ दोनों जीरोज का जो प्रोडक्ट है 1/3 है, और जो फार्मूले से प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a वो भी 1/3 है। अब इसका अगर रिलेशन लिखना, क्या लिखें, कॉन्स्टेंट टर्म है हमारा, टर्म अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आपको इस टाइप क्वेश्चन जो रिलेशनशिप बिटवीन है, ऐसे ही आपको चेक करना होगा कि आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे और कैसे करेंगे
तो और जो भी क्वेश्चंस हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे क्वेश्चंस इस पे और कैसे आएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आपको उसका फैक्टर करना है। फैक्टर करने के बाद आपको दोनों जीरो जा जाएंगे, तो आप दोनों को ऐड करके चेक निकाल लीजिएगा क्या आएगी वैल्यू। उसके बाद प्रोडक्ट भी निकाल लीजिएगा, उसके बाद सम ऑफ जीरोस का फार्मूला अप्लाई कीजिएगा, देखिए क्या वो वैल्यू उतनी आती है। आप प्रोडक्ट आप जीरो भी आप चेक कर लीजिएगा, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से राइट कर लीजिएगा। आप नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चंस कराएंगे जो पॉलीनोमियल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। थैंक यू।